तो बिल्कुल किस तरीके से यहाँ पर इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, हमारे संवाददाता भी वहां से हमें जानकारी दे रहे हैं। और देखिए देवघर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपने देखा कि कैसे बहुत ही सावधानी से और बड़ी चुनौतियों के बीच यहाँ से फिलहाल दो लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है जो इस ट्रॉली में सवार थे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अब महज तीन लोग और बचे हैं और इन तीनों को निकालना अब यहाँ से जितना जल्दी निकाला जा सके इस बात की कोशिश हो रही होगी। तो ये पहली तस्वीरें आप उस रेस्क्यू ऑपरेशन की देख रहे हैं जो सबसे अब, क्योंकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। 48 लोग फंसे थे जिनमें से एक एक कर सबको निकाला गया और अब आखिरी तीन लोग और बचे हैं इस ट्रॉली के भीतर, इस रोपवे पर फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालना चुनौती जरूर है। लेकिन वायुसेना का हेलीकॉप्टर MI-17 आप देख रहे हैं यहाँ पर, पैराट्रूपर्स जो बहुत ही सावधानी से और बहुत कुशलता के साथ इस ट्रॉली तक पहुंचकर उस रस्सी को पहुंचाया जा रहा है। एक पैराट्रूपर जो इस ट्रॉली में, पहले आपने देखा सबसे पहले कि कैसे उस पैराट्रूपर को इस ट्रॉली पर उतारा गया और वो अब सेफ्टी बेल्ट सही तरीके से लगाकर अच्छे तरीके से उन लोगों को समझा बुझाकर वापस हेलीकॉप्टर की तरफ खींचा जा रहा है। तो दो रेस्क्यू तो हमने अपने सामने देखे कि कैसे दो रेस्क्यू यहाँ पर हुए हैं उन पांच लोगों में से, अब बचे हैं बाकी के तीन लोग और उन्हें भी यहाँ से निकालने की कोशिश अभी आप देखेंगे कि वो भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी दो लोगों को ऊपर की तरफ हेलीकॉप्टर में खींचा गया है जो कम से कम यहाँ से तो सुरक्षित उस हेलीकॉप्टर तक पहुँच गए हैं और अब बाकी तीन और लोग बचे हैं। कहा यह जा रहा है, जैसे हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि हवा बहुत तेज़ है तो उस रस्सी को उस केबिन कार तक पहुँचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, उस ट्रॉली तक पहुँचाना। और देखिए अब फिर से उस रस्सी को नीचे उतारा गया है, नीचे छोड़ा जा रहा है, सेफ्टी बेल्ट उसमें साफ आप देख रहे हैं लगी हुई है। अब उस को फिर से एक बार कोशिश होगी कि उस केबिन कार तक पहुंचाया जा सके, हालांकि उसे अभी वापस खींचा गया है, शायद कोई दिक्कत होगी सही तरीके से या फिर उसे नहीं नीचे भेजा जा रहा था। तो अभी बहुत ही छोटी छोटी सी बातों का यहाँ पर ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि मुश्किल हालात हैं और इन मुश्किल हालातों से इन लोगों को निकालना, देखिए दो लोग ट्रॉली से निकाले गए अभी अभी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, अब तीसरे व्यक्ति को यहाँ से निकालने के लिए एक बार फिर से उस रस्सी को उस ट्रॉली के करीब भेजा जा रहा है, उस केबिन कार के करीब भेजा जा रहा है, इसी उम्मीद के साथ कि जैसे इन दो लोगों को यहाँ से सही सलामत सुरक्षित निकाल लिया गया बाकी तीन लोगों को भी अब निकाला जाए। तो लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर है और इस ऑपरेशन को 44 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब यहां पर तीन लोगों को बचाना और जल्द से जल्द बचाना, देखिए जिसका दरवाजा खुला हुआ आप देख रहे हैं, ये जो ट्रॉली ग्रीन कलर की हरे रंग की जो ट्रॉली आपको जो केबिन कार नजर आ रही है, देखिए वहां तक उस रस्सी को पहुंचाना है। अभी वो रस्सी दूर दिखाई दे रही है और यही कोशिश है कि इसे किसी तरीके से जैसे इससे पहले किया गया वैसे ही इसे वहां पहुंचाया जाए। जो अंदर पैराट्रूपर पहले से मौजूद है वो इस रस्सी को अपनी तरफ खींचेंगे और उसके बाद फिर उसमें सही सुरक्षित तरीके से बांधा जाएगा अंदर जो फंसे हुए हैं लोग, उनमें से एक और यानी जो तीसरा शख्स अब इस ट्रॉली से निकाला जाएगा। देखिए आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को इस वक्त देख रहे हैं, हम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जो इस वक्त जिन तस्वीरों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, इसीलिए निगाहें टिकी हैं कि ये बहुत मुश्किल हालातों में एक ऐसा ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो लोगों को यहाँ से कैसे निकाला जाए एक बड़ा सवाल बना हुआ था। लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे पैराट्रूपर्स ने, हमारे NDRF, हमारी वायुसेना सभी ने मिलकर इसे मुमकिन किया है और बड़ी सफलता इसमें अब तक हाथ लगी है। संदीप सरकार का एक बार फिर से हम रुख करेंगे। संदीप चलिए, संदीप से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, फिर से हम उनसे जुड़ेंगे और वहाँ पर क्योंकि वो मौजूद हैं ग्राउंड पर, लगातार हर अपडेट पहुँचा रहे हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि तस्वीरें सामने हैं तो इन तस्वीरों को आप एक बार फिर से देखिए, ये उस रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई है जो इस वक्त बहुत तेज़ी से चलाया जा रहा है और बहुत बड़ी सफलता इसमें हमें हाथ लग भी चुकी है। 48 लोग क्योंकि फंसे हुए थे, परसों दोपहर ये हादसा हुआ, आज तीसरा दिन है और आज इसे किसी भी तरीके से पूरा करने की हर कोशिश जद्दोजहद। देखिए वो ग्रीन कलर की जो केबिन कार आप देख रहे हैं, जो ट्रॉली देख रहे हैं आप, जिसका दरवाजा भी आपको बार बार हिलता हुआ दिखाई दे रहा होगा, उसी तक पहुंचाने की कोशिश उस रस्सी को हो रही है ताकि यहां से उसे निकाला जाए। तो देखिए एक पैरा ट्रूपर जो कि पहले से अंदर मौजूद है
और अब यहाँ से जैसा कि समझ आ रहा है तस्वीरों को देखकर कि निकालने की कोशिश हो रही है तीसरे शख्स को भी, क्योंकि तीन लोग अभी अंदर और बचे हैं। ABP News आपको रखे आगे।